कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। ये रख लेंगे। हाँ ये चाहिए। हाँ ये तो दिखाना पड़ेगा ना। तो पता कैसे चलेगा कि जीती हूँ मैं? चलिए चलो। कौन भाई? किशन। किशन दो मिनट। ओके रोल। प्रभात जसलीन जी, जानना चाहूंगा श्री नारी सम्मान 2021 से आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी मिल रही है आर्यन जी के बारे में जो ऑर्गेनाइजर इस नारी सम्मान? बहुत ही स्पेशल फीलिंग है और आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इनवाइट किया गया और इससे सम्मानित किया गया। और अभी हम वुमेन्स डे मना रहे थे, पर हर दिन जो है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए औरतों की। और जिन जिन औरतों ने अचीव किया है, उन्होंने कितनी मुश्किल से अचीव किया है, बहुत ही बड़ी बात है। और इस तरह से खड़े होकर स्टेज पर जब सम्मानित किया जाता है, बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। और मेरे पापा भी यहाँ पर है मेरे साथ और मैंने उनके हाथ में ये दिया और बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर कर रही है? मेरी मॉम ही है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। और कभी कभी वो मुझे इतना डांटती हैं कि मुझे चिढ़ होने लगती है कि मुझे मत डांटो, लेकिन बचपन से लेके आज तक उन्होंने डांट इसलिए लगाई है ताकि मैं आगे लाइफ में और इम्प्रूव कर सकूं। अब जैसे एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे पेरेंट्स को पता चला था कि मैं गा सकती हूँ, दैट आई कैन सिंग, आई कैन डांस, तो मेरे पेरेंट्स जो है मेरे जो भी घर में गेस्ट आते थे उनके सामने कहते थे बेटा गा के बताओ, बेटा डांस करके दिखाओ। मुझे तब इतनी चिढ़ आती थी कि क्यों मुझे ये बोला जाता है कि जब भी कोई गेस्ट आए मुझे टेंशन होने लग जाए कि अब गाना गाना पड़ेगा और डांस करना पड़ेगा। बट आज वो मैं रियलाइज़ करती हूँ कि वो इसलिए कहा जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और उसकी वजह से जब मैं पहली बार स्टेज पे गई, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, इतना सपोर्ट किया है मेरे फैमिली ने मेरा। तो अगर पूछा जाए एक इंसान जो मुझे इंस्पायर करता है, डेफिनेटली माय मॉम। जसलीन जी, आज आपका गाना काफी वायरल है, अनूप जी ने आपने जो इधर देखे जो आपने गाना गाया है, क्या कहना चाहेंगे? सजनपुर में काफी आपका गाना फेमस हो रहा है, अनूप जी और आपने एक साथ गाना गाया है, हाँ जी, ट्रेलर है जो उसका, वो बहुत ही फन लविंग गाना है और अनूप जी ने भी गाया है और एक अलग अंदाज वाला गाना है जो हम दोनों ने साथ में गाया है। इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग और जल्दी पिक्चराइज भी होने वाला है, लेकिन उसमें मैं और अनूप जी रोमांस नहीं कर रहे हैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, इसलिए गाना रोमांटिक है, पिक्चराइज किसी और पे होगा, लेकिन अनूप जी और मैं हम दोनों एक रोमांटिक गाना डेफिनेटली कर रहे हैं साथ। ठीक है, थैंक यू।